वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी कार बी सेक्शन सीरीज करोल बाग में। अगेन अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और साथ साथ मिलने वाले हैं सुबोध भाई। सुबोध भाई कैसे हैं आप? मैं भैया बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो सुबोध भाई कितनी गाड़ियां रहने वाली है आज अपने पास? आज तो भैया मेरे पास लगभग है 10 गाड़ी तो है। आज 10 गाड़ियों का लाइनअप जो है वो रहने वाला है। 10 गाड़ी का है लाइनअप, जिसमें से आप चेकआउट करोगे एक गाड़ी यहाँ पर, एक गाड़ी यहाँ पर, यानी कि दो गाड़ी जो है अपनी पॉसिबल होती है। 3 जा चुकी है, एक चंडीगढ़ नंबर, एक सुबह सुबह आई थी दिल्ली लोकल नंबर और एक आज है नंबर। ये 3 गाड़ी हम लोग फ्री कर चुके हैं अभी सुबह से लेकर जी। तो आज के इस वीडियो के अंदर किसकी बात करने वाले हैं? आज की गियर गाड़ी करते हैं जिसमें अपना बंदा इंटीरियर, मतलब ये गाड़ी अपनी वो है कि 1,01,000 के अंदर पूरा बेस टू टॉप मॉडिफाई, मतलब शगुन मॉडिफिकेशन दबाते में शगुन मॉडिफिकेशन। तो 1,01,000 का बजट है, क्या कुछ कर रहे हो इस वाली कार के अंदर आप? इसके अंदर भी हम लोग लाइट डालेंगे हेडलाइट में, ठीक है। इसका जो पियानो होता है वो लगाएंगे भैया। हाँ जी, अलॉय व्हील्स लगा चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हो प्रॉपर। 17 इंची नेक्सा के आने वाले आपके अलॉय, ठीक है। इंटीरियर बना रहे हैं 10 कलर का। तो सीट कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, गाड़ी के अंदर जो है वो भी लगना बाकी है। पीछे की सीटें लग चुकी हैं, आगे की सीटें लगना बाकी है। हाँ जी, उसके बाद आपकी ये लगाई है रेन वाइजर। हाँ जी, रूफ लगाई है आपके भैया इसके अंदर। तो ये पेस्टिंग है ड्रिल है? नहीं, पेस्टिंग वाली, ड्रिल का भी ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास। ऑप्शन तो काफी सारे अवेलेबल है, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर लेटेस्ट चीज आ चुकी है, अच्छी चीज आपके पास है ऑप्शन में, तो फिर खराब चीज क्यों लगाई जाए? तो इसलिए हम लोग पहले जो सुपीरियर क्वालिटी होती है उसको दिखाते हैं आपको, और अगर वैसा नहीं होता फिर हम लोग बेसिक क्वालिटी दिखाते हैं। लेकिन अपना पहला मानना यही होता है कि गाड़ी के अंदर सुपीरियर क्वालिटी में ही काम हो आपका। इसके अलावा क्या रहेगा? इसके अलावा भैया आपको हम दिखाएंगे इसका इंटीरियर, जो कि आज बनने वाला है 10 कलर के अंदर, जो कि अपना आप लोग जानते हैं 18,500 में सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस इंटीरियर है जो हम लोग आपको दिखाते हैं। डैम्पिंग अपनी हो चुकी है भैया इसके अंदर, जो कि आपकी एम ट्रैक्स ब्रांड की रहने वाली है, ठीक है। डायमंड 2K का इसके अंदर हम लोग डिस्प्ले जो है वो लगाने वाले हैं, जो कि जिसकी फिटिंग अभी ऑन प्रोसेस है, ठीक है जी। और लाइट हम लोग जो डालेंगे इसके अंदर वो आपका आज के टाइम का सबसे हैवी लाइट 340 वॉट्स का रहने वाला है आपका, मतलब कि फॉग लाइट की कोई कमी महसूस नहीं होगी। 1% की भी आपको फॉग लाइट की कमी इस गाड़ी में महसूस नहीं होगी। अगर आपको फॉग लाइट लगानी है प्रोजेक्टर, तो वो भी अपने पास आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बट वो आफ्टर मार्केट होगा। आफ्टर मार्केट होगा, इसलिए हम लोग आपकी हेडलाइट में ही LED डाल के उसको अच्छे से सेटअप है वो कर देंगे। डैम्पिंग आपको पता ही है ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड, जो कि एम ट्रैक्स गोल्डन रहने वाला है आपका, जो कि सबसे हैवी डैम्पिंग होती है। और DD भी, और जो आज हमने स्पीकर्स लगाया वो भी काफ़ी हैवी रहने वाले हैं, जो कि आपके DD ऑडियो के रेड लाइन सीरीज 2-way कॉम्पोनेंट रहने वाले हैं, जिसमें फ्रंट डोर्स में आज हमने कॉम्पोनेंट स्पीकर इंस्टॉल किए हैं और रियर डोर्स में आज हमने कोएक्सल स्पीकर इंस्टॉल किए हैं। मतलब चारों स्पीकर का सेटअप जो है अपना रहने वाला है, चारों स्पीकर का जो सेटअप रहने वाला है। इसके बाद स्टीयरिंग रैप और इंटीरियर के जो भी लेदर पार्ट्स होंगे वो भी आपको आज इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल गाड़ी का काम जो है वो एक अच्छे लेवल का होने वाला है। हाँ जी, बजट मॉडिफिकेशन है आपके बजट के अंदर आएगा शगुन मॉडिफिकेशन। 1,01,000 रुपये, ठीक। ये पूरा पैकेज है 1,01,000 का। नवरात्रे तक आओ और 1,01,000 पे देखे गाड़ी को, ऐसा आप बनवा के ले जा सकते हो। इसके अलावा क्या रहेगा सुबोध भाई? पीछे की तरफ बात करूँ तो 360 कैमरा भी इसमें इंस्टॉल हुआ है, जिसका प्रोसेस अभी हो रहा है, ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग इसके जो स्टीयरिंग है वो भी चेंज करेंगे आपका, ठीक है। प्रॉपर टॉप मॉडल स्टीयरिंग रहेगा, जिसमें आपको अब तो क्रूज कंट्रोल भी वर्किंग है, और ऑन द वर्क ऑफ बेस टू टॉप क्रूज कंट्रोल आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होकर मिलने वाला है। आओ सारा काम को आओ और क्रूज कंट्रोल फ्री ले जाओ। तो इस वाली गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है? इस वाली गाड़ी में क्रूज कंट्रोल एक्टिव करके देंगे आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, ठीक है जी। बाकी स्पीकर के बॉक्सेस हैं, बाकी जो सामान गाड़ी से निकल रहा है उसे भी डिग्गी में रख रहे हैं, जो भी रहेगा वो अपना जो है कस्टमर को रिटर्न कर दिया जाएगा। हाँ जी, तो एक बार गाड़ी का काम हम लोग खत्म करा देते हैं, गाड़ी अपनी पैक करवा के जो फाइनल लुक निकल के आती है गाड़ी की, और जो फाइनल मॉडिफिकेशन निकल के आते हैं वो आप लोगों को चेकआउट करवाते हैं। A few moments later. तो गाड़ी का सारा काम जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। अब सुबोध भाई से जानते हैं क्या कुछ अपडेट किए गए हैं सारी कार के अंदर। सुबोध भाई क्या कुछ रहने वाला है? पहले तो हम लोग वही बात करेंगे अपने फ्रंट की प्रोफाइल में, ठीक है। नेक्सा ब्लू कलर गाड़ी का है, तो आपको पता है इस पे तो आप चाहे पियानो लगाओ या क्रोम लगाओ, दोनों ही जो एसेसरीज अच्छी लगती है, लेकिन ब्लू के ऊपर क्रोम ज्यादा खिलके आता है, क्योंकि डार्क कलर गाड़ी है तो क्रोम आपका अच्छा लगता है, मतलब एक हाईलाइट सा जो फील है वो कराता है। हाँ, और बेसिकली जो इसकी ग्रिल आती है ना वो आपकी क्रोम की आती है। लाइट डाली है इसके अंदर जो कि आपकी प्रॉपर 340 वॉट की रहने वाली है, और काफी हैवी लाइट रहने वाली है, जो कि आपकी अल्ट्रा ऑडियो ब्रांड की रहने वाली है। तो 340 वॉट है, अभी देख रहे हो गाड़ी थोड़ा स्लॉपी कंडीशन में है, रोड पर रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑन रोड देखोगे तो कहीं पर भी कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है। इससे बात करूँ भैया अगर, तो यहाँ पे हेडलाइट का जो है ये अपना क्रोम लगा दिया गया, जो कि डी क्रोम होता है, ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि आजकल ना लोग इसमें आफ्टर मार्केट जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लगाने लग गए हैं, लेकिन हमारा अभी भी हम लोग जो भी क्रोम के एसेसरीज यूज़ करते हैं वो जेन्युइन नेक्सा ही यूज़ करते हैं, चाहे बात को पियानो ब्लैक चिपकाने वाले की, पियानो ब्लैक रिप्लेसमेंट पार्ट की, या
आपकी क्रोम की, तीनों ही हम लोग नेक्सा जेन्युइन लगाते हैं, वो भी 75% ऑफ ऑन द वर्क ऑफ बेस टू टॉप। ठीक है, तो ये काम जो है वो रहेगा अपना जेन्युइन का, जेन्युइन रहेगा। हेडलाइट में एलईडी दिखा दी है, इसके अलावा क्या रहेगा अपना? इसके अलावा फ्रंट में तो आपका यही काम है, बाकी यहाँ पे अपना 360 कैमरा लगाया, आपको पता होगा डायमंड की डिस्प्ले लगाई हमने इसमें। ठीक है, तो 360 कैमरा जो कि आपको एक प्रॉपर ड्रोन व्यू बर्ड व्यू देने के काम आ जाता है। तो कैलिब्रेशन हो गई है इसकी? कैलिब्रेशन अभी होनी बाकी है वैसे तो, क्योंकि ये एक खुले जो ग्राउंड है उसमें आपका कैलिब्रेशन का वर्क कंप्लीट होता है, तो उसी सेगमेंट में हम आज इसमें कैलिब्रेशन करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आप बात कर लेते हैं कार के साइड पोर्शन से कि यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है। तो साइड से क्या कुछ रहेगा बोल भाई? साइड में भैया पहले आप चेक करेंगे 17 इंच के रहने वाले आपके अलॉय व्हील्स। तो भैया जैसा कि आप लोग साइड प्रोफाइल में बात करोगे तो आपकी डोर वाइजर रहने वाले हैं, ठीक है भैया, क्योंकि प्रॉपर पियानो ब्लैक एंड क्रोम इंसर्ट के साथ आपको मिलते हैं, जो कि प्रॉपर एक नेक्सा का जनरल पार्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लोअर गार्निश मिलती है जो कि ABS क्वालिटी में रहती है, अच्छी क्वालिटी मतलब हैवी क्वालिटी में रहती है, 6 पीसेस के अंदर पूरा क्वार्टर ग्लास है। क्वार्टर ग्लास में डोर वाइजर ये आपके दोनों ही 6 पीसेस में आते हैं, बाकी जूम फ्रेम रहेगी जो कि आपकी प्रॉपर जनरल रहेगी, आपकी नेक्सा की जनरल पेस्टिंग वाली रहेगी भैया। ठीक है, ठीक है, पीछे साइड मोल्डिंग है, अगेन जनरल पार्ट है आपका, ठीक है भैया, चेक कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पे अपना डोर गार्ड है, ये भी आपका GFX का रहने वाला है, जो कि हैवी क्वालिटी का होता है, एक अच्छी क्वालिटी का रहने वाला है, अच्छी क्वालिटी का रहता है। बाकी साइड में एक रिले लगाई है इसके अंदर, जो कि प्रॉपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग वाली होती है, ऑटो फोल्ड रिले जो है वो रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों साइड मिरर के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रियर साइड कैमराज की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी, और मिरर जो है ऑटो फोल्ड रिले के साथ, ऑटो फोल्ड रिले आपकी लगी है, जो एक बहुत ही छोटी कॉस्ट्यूम है, एक आपकी एसेसरीज लग जाती है, और यूजफुल ये इतनी है ना कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी का जो फीचर है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, अभी ये फेंडर आज नहीं लगी हुई थी, अभी हमने ये भी लगा दी है, ये भी प्रॉपर नेक्सा की जनरल पार्टी आपका रहने वाला है। ठीक है, ओवरऑल बात करें साइड प्रोफाइल की तो आप लोग चेक करेंगे एक, क्योंकि हमने दिन में आपको बताया था ये एक बजट मॉडिफिकेशन रहने वाली है 1 लाख के आसपास की, तो इसलिए इसमें हमने जो व्हील आर्च और ये जो पूरा पियानो का जो बॉडी किट होता है वो चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉपर बॉडी किट भी चेंज करना है तो आप लोग हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख सकते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर ये एक बेस टू टॉप लेवल का जो मॉडिफिकेशन होता है वो आपका कंप्लीट करके देते हैं। तो ये हो गई बात कंप्लीट कार के साइड व्यू की, अब मूव करते हैं कार के रियर पार्ट पे और आपको रियर से बताते हैं। तो आ चुके हैं कार के रियर पार्ट पे, रियर से क्या कुछ रहेगा सुबोध भाई? भैया आपको बताया था मैंने जैसा कि आपका ये गाड़ी आने वाली है नेक्सा ब्लू, तो क्रोम के जो इंसर्ट्स है वो इसमें यूज किए हमने, जैसे कि टेल लाइट क्रोम यूज किया है, 6 पीस वाले 1, 2, 3 और 1, 2, 3। ठीक है, और जो इंडिकेटर क्रोम है वो हमने लगाया इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। व्हाइट गाड़ी होती है हम लोग इसमें पियानो ब्लैक आपकी जो गार्निशिंग होती है वो भी लगाते हैं, वैसे आप लोग ब्लू गाड़ी में भी लगा सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे लग रहा है आपका, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली डिफ्यूजर किट जो है वो रहने वाली है रियर की, डिफ्यूजर किट रहती है, जेन्युइन रहेगी जो नेक्सा की जेन्युइन होती है। लेकिन अगर इसकी जगह जो भैया ने बैक गार्ड का वर्क है वो उन्होंने करवा लिया, और यही प्रॉपर बैक गार्ड आपका मजबूती के साथ रहने वाला है, और काफ़ी हैवी बैक गार्ड आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 3-4 क्वालिटी आप प्राइस के मतलब डिफरेंस आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा रियर व्यू कैमरा है, उसकी प्लेसमेंट आपको नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। ये हो गई बात, अब मूव करते हैं कार के बूट में, बूट में क्या रहेगा सुबोध भाई? बूट भैया नेक्सा जेन्युइन पार्सल ट्रे, ठीक है भैया, उसके अलावा जो बूट मैट है हमने वो लगाया, जो कि GFX का रहने वाला है, ट्रे वाला मैट होता है, हैवी क्वालिटी का। ठीक है, बूट लाइट कॉम्प्लीमेंट्री लगाई है, जो कि हमने ही ट्रेंड चालू किया था कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स गाड़ी में देने का, नहीं तो बाकी लोग तो इस बूट लाइट के भी 5,000-5,000 रुपये चार्ज कर लेते थे, ये हमने प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री दिया, आज तक इसको कॉम्प्लीमेंट्री ही देते हैं हम लोग, कोई इसका जो 1% का भी चार्ज है वो आपका नहीं लेते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, आपको जिसका इंटीरियर है वो चेकआउट करवाते हैं। तो आ चुके हैं कार के इंटीरियर के अंदर और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। इंटीरियर का लुक पूरा का पूरा जो है अपना चेंज हो चुका है, और कार भी इसकी खासियत यही है कि गाड़ी का इंटीरियर आप कलर बताइए और ये उसके हिसाब से कस्टमाइज जो है वो कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अब क्या रहेगा डिटेल में बात करें तो ये तो अपना इंटीरियर भैया काफी कॉमन इंटीरियर है, क्योंकि हम लोग 10th का इंटीरियर तो हम लोगों ने इतना बना दिया कि हमको खुद नहीं पता कि कितनी गाड़ियों में हमने 10 और आइस ग्रे का इंटीरियर काफ़ी बनाया है। अभी भी आप देखेंगे तो इसमें टैंक लगा इंटीरियर है, सामने व्हाइट वाली में आइस ग्रे का इंटीरियर तैयार हो रहा है, अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपना काम जो है ऑन प्रोसेस वाली प्रोसेस में काम है, इसका हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, हो सकता है वो आपको जो वीडियो है वो कार भी इसके चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो भैया पहले हम लोग बात करते हैं डोर्स की, जो हम करते हैं डैम्पिंग हमने आपको दिखा दी थी। ठीक है, ठीक है, जो कि M-Trax की लगी थी, इसके ऊपर हमने जो डोर्स की डैम्पिंग है उसका वर्क किया है, ये कंप्लीट जो है वो आप चेक कर सकते हो। लेदरेट फिनिश जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, बटफी डिज़ाइन के साथ जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पूरा पैनल सॉफ्ट टच जो है वो किया गया है, इसके अलावा ये पीस आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ जो है वो देखने को मिलने वाला है, जो कि डीप पेंट वर्क का काम जो है वो रहता है। ये डीप पेंट वर्क होता है, बाकी जो अपने ये जो AC वेंट्स होते हैं वो अपने पियानो जेन्युइन मारुति के ही होते हैं। बाकी अपने अगर हम लोग बात करें फ्रंट की, तो डैशबोर्ड पर भी हमने सेम जो 10 कलर का रैपिंग है वो कर दिया है। ठीक है, ठीक है भैया, ये अपना रैपिंग कर दिया है हमने, जो ये छोटा पोर्शन होता है डब्ल्यू वाला
ये जो की वाला पोर्शन होता है इसको भी रैपिंग कर दिया है प्रॉपर, जो दो पीस आपके थाई सपोर्ट होते हैं इसको भी प्रॉपर कर दिया है, एक पीस इस साइड में और एक पीस इस साइड में। हाँ जी, जो प्रॉपर आपका गियर ग्लॉसी है ये चेंज कर दिया हमने, ठीक है ठीक है। गियर नॉब चेंज कर दिया, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कोई चार्ज नहीं है बॉस इसका आपका, ठीक है। एसी वेंट जो होते हैं प्रॉपर इसको ही लगा दिया है, नया का नया पीस जो कि आप तीनों साइडों में देख सकते हैं, दो साइड में एक अपना सेंटर वाले पार्ट में। हाँ जी ठीक है जी। बाकी आप फ्लोर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे करी गई है अपनी चेकमेट की फ्लोरिंग, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की फ्लोरिंग जो है वो रहने वाली है, और इसके बारे में हम लोग काफ़ी वीडियो में बात कर चुके हैं, और उसके ऊपर अपने जो प्रॉपर मैट है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कट टू कट फिटिंग के साथ जो है वो आपको देखने को ये मिल जाने वाले हैं। बिल्कुल कट टू कट फिटिंग है, क्योंकि जो ट्रे वाले मैट होते हैं वो काफ़ी हैवी मैट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद भैया स्टेयरिंग चेंज किया है हमने प्रॉपर तरीके से, जैसे आपको बताया था हमने, ठीक है भैया। ये चेक कर सकते हो आपका स्टेयरिंग प्रॉपर लगाया टॉप एंड वाला, और मेन आपको पता ही है क्रूज कंट्रोल का, जैसे हम लोग दबाएंगे बटन सामने जो है वो ग्रीन सिग्नल वहाँ पे आ चुका है, चेक कर सकते हैं। प्रॉपर आपका जो क्रूज कंट्रोल है वो चालू हो चुका है इन द सिग्मा मॉडल, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई वायरिंग कटिंग नहीं है, लाइट प्रॉपर आ रही है, कॉलिंग के जो बटन है वो भी आपके प्रॉपर तरीके से वर्किंग काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है भैया। ठीक है जी। तो ये फायदा होता है क्रूज कंट्रोल लगवाने का, और अगर आप लोग कार भी इससे लगवाते हैं तो इस बात की श्योरिटी होती है कि आपकी किसी भी तरीके की जो वायरिंग है उसको हार्म नहीं किया जाएगा, आपकी वायरिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है भैया। ये पूरा ही यकीन आपको कार बीस्ट दिलाता है अगर आप लोग कार बीस्ट क्रूज कंट्रोल ऑन करवाते हैं तो। बाकी इसके ऊपर रैपिंग भी हमने किया जो कि सेम आपकी रहने वाली है डुअल टोन मून डिजाइन में, यहाँ पे आपका टैन कलर का पोर्शन है, ऊपर आपका ब्लैक कलर का पोर्शन है। इस तरीके से गाड़ी का इंटीरियर है, इंटीरियर सेम बनाया गया है टैन एंड ब्लैक का, जैसे कि बात को सीट कवर्स की, जैसे कि बात को अपना सीट कवर्स की, आप सीट कवर चेक करेंगे अपना वही पैटर्न आने वाला है टैन के अंदर, चेक करेंगे प्रॉपर आपका ऊपर बर्फी पैटर्न, ऊपर आपका पंचिंग है, नीचे आपका बर्फी पैटर्न रहने वाला है, और प्रॉपर आपका यहाँ पे जो थाई सपोर्ट का वर्क है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कंफर्टेबल सीट के पास है, अच्छे सीट के पास होते हैं भाई ये। इसकी वारंटी वगैरह? इसकी लाइफ टाइम वारंटी आपको पता ही है, अपना जो इंटीरियर 18500 का इंटीरियर, इसमें आपको लाइफ टाइम तक की जो वारंटी है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है जी। तो ये रहने वाला है अपना कंप्लीट सीट कवर। इसके अलावा आप चेक करोगे तो इंटीरियर वर्क के सारे पैनल्स वगैरह मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। एक वेलकम प्लेट जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि नेक्सा की जेन्युइन रहने वाली है, ये अपना यहाँ पे आप दरवाजों में चेक कर सकते हैं, चार पीस में जो है वो अपना आती है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं एम्बिएंट लाइट की, कितने पीस एम्बिएंट लगाई गई है इसमें? इसके अंदर भी अपना 10 पीस लगाई है एम्बिएंट, जो कि प्रॉपर आपकी K4 जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे एक पीस यहाँ पर है, एक पीस आपको साइड में देखने को मिल जाएगा, और चार पीस दरवाजों के ऊपर जो है वो रहने वाले हैं। हाँ जी। इवन चार पीस जो है वो आपको फुटवेल्स में भी देखने को मिल जाएंगे, कलर वगैरह जो है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, मल्टीपल कलर के ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं। ये हो गई बात अपनी एम्बिएंट की। इसकी कुछ वारंटी वगैरह आती है? एम्बिएंट की भी अलग अलग वारंटी होती है, किसी में 2 ईयर्स है, किसी में 1 ईयर है, किसी में नॉन वारंटी है, किसी में 6 मंथ आती है। बेसिकली हम लोग आपको हमने समझाया हुआ है कि भाई जो आजकल मार्केट में स्कैम चलता है सस्ते के नाम पर आपको कुछ भी चीज़ लगाने का, वो इन्हीं सब चीज़ों से आपको आपका जो वो आपका इन्हीं सब चीज़ों से माइंड डाइवर्ट किया जाता है कि भाई सस्ती चीज़ें लगा दो और उसके बाद भूल जाओ काम करके, तो वैसा काम अपने पास नहीं है। प्रॉपर ये अपनी 1 ईयर की वारंटी के साथ है, जो कि अच्छी K4 रहने वाली है, और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है भाई। ठीक है, यहाँ पे आप ओवरऑल जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके हेड यूनिट की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो रहने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो अपना यही होता है, गाड़ी के अंदर हम लोग बैठते हैं तो सबसे अच्छा पार्ट यही होता है भाई, जो कि एक कंज्यूमर की मेन नीड होती है, क्योंकि जो बाहर की गार्निशिंग है वो लगती है तो वो बाहर को लोग देखते हैं, लेकिन ये जो ऑडियो वीडियो होता है ये सबसे मेन पार्ट गाड़ी का होता है। और अगर आपके पास अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है तो भी सस्ता क्यों लगाना, अगर आपका बजट अच्छा है तो फिर आप लोग सस्ती स्क्रीन पे क्यों जाते हो। आजकल जो ये 2K में डायमंड में इतने सारे फेक वो आ रहे हैं, डिस्प्ले आया कोई कहना नहीं, लेकिन हम लोग शुरू से ही ऑक्टा कोई लगाते हैं 464 सिम कार्ड सपोर्टेड वाला, ठीक है। तो आपको एक बार रिस्पॉन्स वगैरह भी दिखा देते हैं किस तरीके का रहने वाला है, ये आप चेक कर सकते हैं। और सिम कार्ड के लिए जो है वो आपको यहाँ पे स्लॉट देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप जो इसका सिम कार्ड है वो सपोर्ट करा सकते हैं। हाँ जी। तो इसमें आपको जो है अगर आप सिम लगाते हो तो आपको कोई हॉटस्पॉट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी 360 कैमरा लगाया गया, जिसमें कैमरा के रिस्पॉन्स कैसा कुछ आने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैलिब्रेशन जो है अभी होना बाकी है, उसके अलावा आप चेक करोगे कैमरे की क्लैरिटी वगैरह जो है किस तरीके की रहने वाली है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। हाँ जी भाई। तो प्रॉपर क्लियर विजन कैमरा जो है वो आपके सामने है, बिल्कुल प्रॉपर रहने वाला है कैमरा आपका। काफ़ी सारे मोड्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, इंडिकेटर के ऊपर जो है प्रॉपर अपना वर्क करेगा, जिस भी साइड का इंडिकेटर देंगे ये अपना ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर एक लगेगा कि डोन लगा दिया गाड़ी के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर डोन भी आपको देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर फिटिंग आती है इसकी, ठीक है। आप चेक करेंगे 11.8 इंच की डिस्प्ले आने वाली है डोन लोब के साथ, ठीक है। ठीक है जी। यहाँ से आप लोग जो मोड वगैरह वो चेंज कर सकते हो। फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है, ऑक्टा कोर के अंदर है, काफ़ी सारे जो ऐप्स है वो आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है, मतलब अच्छी डिस्प्ले है। वीडियो क्वालिटी भी आपको इसकी काफ़ी जो बढ़िया है वो देखने को मिल जाएगी, जो मैं आपको चेक करवा देता हूँ अभी, तो उसकी वीडियो क्वालिटी वो भी चेक कर सकते हैं।
काफी अच्छा आपका रहने वाला है। ठीक है जी, मतलब क्लियर रिस्पॉन्स है आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल क्लियर रहने वाला लगेगा, जैसे गाड़ी में आप लोग टीवी देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन अपना कहना यही है कि चलती गाड़ी में आप लोग टीवी मत देखिएगा, ये कहीं पे रोक के देखिएगा। ठीक है, स्पीकर आपको बताए थे हर्ट्ज के, आगे कॉम्पोनेंट लगाए हैं, पीछे कोएक्सल लगाया है, साथ में इसमें जो टूटर्स है वो भी हमने लगाया है, क्योंकि प्रॉपर टूटर कैप के साथ आपका रहने वाला है। अगर जो इस गाड़ी का बजट है वो 1,01,000 रुपीज़ है, जो हमने आपको बताया कि आज अपना कॉम्बो का ऑफर है, तो उसमें चीज़ें भी यूज़ करी गई, ऐसा नहीं है कि बेसिक चीज़ें यूज़ करी हमने, प्रॉपर ही हैवी चीज़ें इसके अंदर हमने जो है वो यूज़ करके दी हुई है आपको। मतलब कि अगर आप खर्चा करोगे तो काम भी चर्चे वाला होगा। हाँ, खर्चा करोगे तो काम चर्चे वाला होगा, ऐसा नहीं है कि लाख रुपये आपसे ले लिया कुछ भी कर दिया। ठीक है भाई, और मैं भी ये कहता हूँ कि यही काम आप चाहो तो 80 में भी करवा सकते हो, मेरे से करवा सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ऑप्शन अच्छे अवेलेबल है तो बेसिक चीज क्यों लगाना। आज आप 2,000 रुपये बचा लोगे, लेकिन कल वही आपको 10,000 का नुकसान दे जाएगी, और उसको ठीक कराने में आप 4 बार आओगे तो पेट्रोल ही आपको उतने का लग जाएगा भाई, तो वो कोई बात मतलब नहीं होती है। अच्छी चीज लगवाओ, मानना यही है, बेस्ट टू बेस्ट चीज लगाओ गाड़ी के अंदर। मेरा कहना यही है कि जितनी अच्छी चीज लगाओगे, महंगी नहीं कहा मैं, अच्छी से अच्छी चीज लगाओ गाड़ी के अंदर, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझ के अपनी अच्छी चीज जो है वो इंस्टॉल करवाइए गाड़ी के अंदर, करवा सकते हो। हाँ जी भाई, तो 1,01,000 रुपए के बजट में इस कार को जो है रेडी किया गया है, रेडी किया गया। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री बहुत कुछ दिया गया, देखो कैबिन लाइट वगैरह सब कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। ठीक है, बाकी गियरनॉब लगाया है, टूटा कैप कॉम्प्लीमेंट्री है, परफ्यूम दिया है भैया, ये दिया है हमने कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। और ये जो यूएसबी है ये भी लगाया हमने इसके अंदर, पीछे का जो यूएसबी है वो भी किया इंस्टॉल। तो यहाँ पे आप 2 पोर्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर जो है यहाँ पे आपको लेदर एड जो है वो भी देखने को मिल जाने वाला है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइट का रिस्पॉन्स यहाँ पे आप चेक करिए किस तरीके का जो है वो अपना रहने वाला है। अगेन वही कहूँगा, स्लोपी कंडीशन में है, ऑन रोड यूज करोगे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है आपको लाइट का मिलने वाला। लाइट्स में भी काफी सारे ब्रांड्स आते हैं अपने पास, 120 वाट से लेके लगभग 300-350 वाट तक की लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जो रिकमेंडेड है वो आप ऑन काउंटर आएंगे, जो भी आपके बजट के हिसाब से बेस्ट चीज़ें होगी वो कार डीलर आपको रिकमेंड कर देगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मूव करते हैं कार के ओनर की तरफ। मिलते हैं भाई कार के ओनर से, जानते सर कैसा कुछ फीडबैक आता है, तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम दीपक है। और मेरा नाम आकाश है। आकाश, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम द्वारका से आ रहे हैं, द्वारका डेली से ही। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? ये हमने यूट्यूब पे देखा था इनका चैनल, जो कि सारी चीजें दिखा रहे कि ये इतने का, ये इतने का है, और तुम्हारी गाड़ी ऐसे मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो देखा था वो एक्चुअल में वही निकला। तो आप ऑनलाइन चेक करके जो है यहाँ पर आप आए हैं? हाँ बिल्कुल, सब चीजें आपको यहाँ पर मिल गई हैं। बिल्कुल, बात करें फिट फिनिश वगैरह की, गाड़ी काम कम्प्लीट हो चुका है, कैसा रहा काम आपको? ओवरऑल हमारा काम जो था वो बहुत बढ़िया रहा। कहीं कुछ कमी आपको फील हुई? कमी नहीं रही, बस टाइम ज्यादा लग गया थोड़ा। टाइम ज्यादा लग गया, टाइम बढ़ा के काम के अंदर कहीं कमी आपको लगी? काम में कोई कमी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो जिस तरीके से हम लोग यूट्यूब में वीडियोस में दिखाते हैं वैसे ही काम आपको मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ऐसा तो नहीं हम दिखाते वहाँ कुछ हो रहे हैं यहाँ होता कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता, सब कुछ परफेक्टली जो है वो आपको मिलता है, बस टाइम देना पड़ता है और रिजल्ट आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, सारे काम को अगर नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10। कंप्लीट नंबर कल वो किसी को अगर 11 होता तो वो भी दे देते। ठीक है, मतलब फुल मार्क्स जो है वो रहेंगे। बिल्कुल, कल को किसी को रिकमेंड करने का मौका मिलता है, रिकमेंड करना चाहेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, अभी दिसंबर में हमारी एक और गाड़ी आएगी। ठीक है, हम फिर बेस टू टॉप करवाएंगे। ठीक है, मतलब रिकमेंडेशन वगैरह मिलने वाला है। हाँ ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है, और आप यहाँ तक आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।